भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 2-1 से खत्म हो चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हराया। और अब विश्व कप के लिए भी टीम लगभग पूरी तैयार हो चुकी है, इसका खुलासा किया है बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने। एमएसके प्रसाद ने कहा कि अब वो बाहर से और किसी प्लेयर को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, उनके पास जो 20-22 प्लेयर्स का स्क्वाड है वो उन्हीं में से खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और वहीं से विश्व कप 2019 की टीम को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि एमएसके प्रसाद की सोच में भारत को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह नहीं है। बता दें आपको, युवराज सिंह की फॉर्म भी हाल ही में कुछ खास नहीं रही है, लेकिन एमएसके प्रसाद ने कहीं ना कहीं बातों ही बातों में साफ कर दिया है कि युवराज सिंह उनकी सोच का हिस्सा नहीं है। हालांकि युवराज का प्रदर्शन भी पिछले 1.5 साल से बेहद खराब रहा है, ऐसे में उनकी टीम में वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब बस युवराज के पास एक ही मौका है, अगर वो आईपीएल में धमाल मचाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं तो ही शायद उनको टीम में एंट्री मिल सकती है, वरना युवराज सिंह के लिए अब टीम में वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं और विश्व कप के 2019 को खेलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।